खबर इंदौर से है, जहां पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात कांस्टेबल का उसकी ही पत्नी ने स्टिंग कर दिया। 3 साल पहले सिपाही की शादी हुई थी, इसके बाद सिपाही और उसके परिजन दहेज की मांग करने लगे। पत्नी को सिपाही पति पर शुरू से शक था, इसलिए पति से दूसरी महिला बनकर चैटिंग की। सिपाही पति ने दूसरी महिला को होटल में मिलने के लिए बुलाया। अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारी ने बताया कि सुखलिया निवासी पीड़िता मनीषा चावन की शादी इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ आरक्षक सत्यम बहल निवासी पंचम से हुई थी। दोनों की शादी 22 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के बाद पति सत्यम सास आरती बहल मनीषा को गाड़ी लाने के लिए प्रताड़ित करते रहे। इतना ही नहीं, मायके वालों से मोबाइल पर बात नहीं करने देते, यहाँ तक कि अखबार भी नहीं पढ़ने देते थे। इससे तंग आकर मनीषा ने 28 नवंबर 2020 को दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। इस मामले में पति सत्यम बहल जमानत पर छूटा है। प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। मनीषा को अपने पति सत्यम पर शुरू से शक था। केस दर्ज होने के बाद सत्यम खुद को सिंगल बताने लगा। शादीशुदा होने के बावजूद फेसबुक पर सत्यम ने खुद को सिंगल बताया। मनीषा ने सत्यम को पकड़ने के लिए फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर पति से सिंगल लड़की बनकर चैटिंग करने लगी। सत्यम मनीषा को दूसरी महिला समझकर चैटिंग करता रहा। मनीषा ने इस चैटिंग के सबूतों के साथ 6 अगस्त 2020 को पुलिस जनसुनवाई में सत्यम की शिकायत की। पुलिस जनसुनवाई में सत्यम पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मनीषा ने पति और सास को लेकर घरेलू हिंसा के तहत याचिका पेश की। मनीषा के आरोपों पर जिला कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग से रिपोर्ट तलब करने के बाद ससुराल जनों के खिलाफ घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून में संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट इंदौर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरभि सिंह सुमन जी ने मनीषा की याचिका पर पति सत्यम बहल सास आरती बहल घरेलू हिंसा न करने के साथ 8 जनवरी 2020 से 7,000 रुपये प्रतिमाह पीड़िता को भरण पोषण स्वरूप देने का आदेश दिया, साथ ही 2 लाख रुपये दिए जाने का आदेश भी जारी किया। के 2-3 महीने बाद ही वो मुझे टॉर्चर करने लगे और बिना बोले मेरे घर पे लेकर आ गए। टॉर्चर करना, मारपीट करना, बाथरूम में बंद करना। मेरे मम्मी पापा को बोलते थे तू अपने घर मत जा, तू अपने मम्मी पापा के साथ बात मत करे, नहीं तो रिश्तेदार के साथ बात कर। मेरा मोबाइल छीन लिया उनने और उसकी माँ सिर्फ उसी का साथ देती थी। ने बड़े अधिकारियों को पूरे के पूरे सोशल मीडिया चैटिंग के फेसबुक के स्क्रीनशॉट बड़े अधिकारी को डीआईजी जनसुनवाई में दिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो पुलिस में आरक्षक है, जिसका काम जनसेवा करके महिलाओं की भी रक्षा करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इसमें एक जरूर बात यह हुई कि महिला थाना इंदौर ने दहेज प्रताड़ना के केस में, शारीरिक प्रताड़ना के केस में आरोपी के विरुद्ध इसके अंतर्गत उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें कोर्ट से आरोपी सत्यम बहल जमानत पर है।